नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। क्षिप्रा नदी संरक्षण अभियान के अंतर्गत मोहनपुरा स्थित चंद्रभागा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए श्रमदान आरम्भ किया गया। पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, संत रामेश्वर दास जी महाराज, पर्यावरणविद राजीव पहावा व वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी एवं पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत की उपस्थिति में बड़नगर रोड स्थित मोहनपुरा में क्षिप्रा की सहायक नदी चंद्रभागा के पुनर्जीवन के लिए श्रमदान अभियान आरंभ किया गया, जिसमें स्थानीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर श्रमदान किया। उपस्थितों ने भूमि पूजन कर श्रमदान का श्री गणेश किया। कार्य की महत्ता प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी व संत रामेश्वर दास जी ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि आज यहाँ पे सभी मित्रों ने, गांव ने मिलकर के अगर ये संकल्प लिया है कि वे क्षिप्रा में जल का योगदान करेंगे और चंद्रभागी नदी के माध्यम से, ये बड़ा पुनीत कार्य तो है ही, लेकिन आज देश दुनिया में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मरती जो वर्षा जनित नदियों की जो एक एक करके हमारे बीच में से स्थान खो रही है, वो इस देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जल ही जीवन है, इसे सरलता से ऐसे ही नहीं समझना, इसे समझने के लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि कल्पना कर लेनी चाहिए कि अगर नदियाँ नहीं होंगी तो ये हमारे शरीर में ठीक उस तरह से हैं, धमनियाँ जब बंद हो जाती हैं तो हमें फिर परलोक ही जाना पड़ता है। इसी तरह से इस वर्षा जनित नदियाँ हमारे शरीर की धमनियों की तरह हैं, ये जितना जिंदा रहेंगी शरीर उतना ही और संसार उतना ही बेहतर रहेगा। ये चंद्रभागा नदी जो कि माँ क्षिप्रा में मिलती है, आज मोहनपुरा ग्राम से ये श्रमदान शुरुआत हुई है, जो कि माँ क्षिप्रा को चलायमान करने के लिए, माँ क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए ये सहायक नदियाँ जितनी भी है, माननीय क्षिप्रा नदी संरक्षण अभियान जो कि सोनू जी के द्वारा चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत आज यहाँ मोहनपुरा से शुभारंभ हुआ है, जो कि जन जन को जीवन देने वाला, जल ही जीवन है और ऑक्सीजन ही जीवन है। जल रहेगा तो पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। इसी आशा के साथ आज जो है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं सभी समाज सेवी धर्म प्रेमियों से आग्रह करता हूँ कि आप इस जन सहयोग के लिए, जन कल्याण के कार्य के लिए आगे आएँ और इस कार्य को पूर्ण करें। आने वाला सीएसथ हमारा क्षिप्रा नदी के जल से स्नान करें श्रद्धालु, इसी कामना के साथ ये कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र से आए लुटेरे दुल्हन विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के परिजनों को बेहोश करके जेवर व नकदी लेकर भाग गई। उज्जैन के कार्तिक चौक में रहने वाले तिवारी परिवार के घर आई दुल्हन शादी के 3 दिन बाद लाखों रुपए के जेवर लेकर भाग गई। सुबह उठने पर जब परिवार वालों को दुल्हन नहीं दिखी और जेवरात भी गायब मिले तो उन्होंने महाकाल थाने में रिपोर्ट लिखवाई। बताया जा रहा है कि आरोपी दुल्हन महाराष्ट्र से संचालित गैंग का हिस्सा है और लोगों को शादी के नाम पर चूना लगाने का काम करती है। फिलहाल लुटेरी दुल्हन फरार है, जबकि उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल थाना TI मुनेंद्र गौतम ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सभी पर फर्जी शादी और जेवरात लूटने का आरोप है। उज्जैन की सचिन तिवारी, उम्र 40 वर्ष की शादी 19 मार्च को शहर के चिंतामण मंदिर में महाराष्ट्र की रहने वाली निकिता से हुई। बिना शोर शराबे की हुई शादी में लड़की के परिवार से 6-7 लोग शामिल हुए थे। शादी के तीसरे दिन यानी 22 मार्च की देर रात लुटेरी दुल्हन ने अपने पति, सास ससुर और देवर को भी सोने से पहले दूध दिया, जिसके कुछ देर बाद सभी बेहोशी की हालत में सो गए और वह सबको सोता छोड़कर फरार हो गई। वो अपने साथ घर में रखे 50,000 कैश सहित 4 सोने की चूड़ी, मंगलसूत्र और बिछुड़ी भी ले गई। इस बाबत दूल्हे की माँ श्यामा तिवारी ने बताया, अरे हमको इन्हें 8-15 दिन से चल रहा था कि आ रहे तो आए, तो लड़की को भी लेके आए, बोले कि तुम देख लो तुमको जमे तो, और बोले कि शादी कर लेंगे। तो हमने देखा उसको, सबने पूछा भी से लड़की से, बोले कि मेरे को तो सब बढ़िया है और मैं पसंद हूँ, करूँगा। कितने लोग आए थे और क्या क्या रिश्ते लड़की से उन्होंने बताया? वो लड़की ने बोले कि मेरे 2 मामा है, 1 मौसी की लड़की है, जाजी है और वो माँ है। अच्छा। 10 जन आए थे। कब हुई थी शादी, ये कहाँ पर हुई? शादी चिंतामन हुई थी। कब हुई शादी? शादी हुई 19 तारीख को। 19 कौन से महीने में? महीना मेरे को याद नहीं रहता है। अरे अरे।
19 फरवरी को हुई। अच्छा, आप थाने कब गए थे? फिर कितने दिन बाद लड़की भागी? लड़की हमारे 4 दिन थी और 5वें दिन भाग गई। क्या क्या लेकर गई साथ में? वो साथ में पाजा, बिछोड़ी, अंगूठी, मंगलसूत्र है, चूड़ी है 4, और नगद केस रखे थे। रजिस्ट्री के लिए हमने पैसे रखे थे। शादी में कितना खर्चा हुआ है? शादी का खर्चा तो हमने उसको करी के 2 लाख हो गए। हाँ। लोगों ने कितने पैसे लिए आपसे शादी कराने? पैसे ऐसे तो लिए नहीं, उन्होंने क्या बोला कि खर्चा कर देंगे। हाँ। तो बोले कि खर्चा हमारे पास कुछ है नहीं, गरीब घर की लड़की है, इसके पिता नहीं है, वो लड़की अकेली है और आपके घर में निप जाएगी। महाकाल मंदिर के 5 नंबर गेट पर मंदिर प्रवेश को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच जमकर चले लात घुसे। दरअसल महाकाल मंदिर में बढ़ते जा रहे श्रद्धालुओं के बीच अक्सर प्रवेश को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है। ऐसे ही गेट नंबर 5 पर कुछ श्रद्धालु सिक्योरिटी गार्ड से प्रवेश के लिए विवाद करने लगे और देखते ही देखते स्थिति विवाद पर पहुंच गई और सिक्योरिटी गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच में हाथापाई हो गई। फ्रीगंज स्थित नमकीन दुकान के कारखाने में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फ्रीगंज स्थित जैन नमकीन दुकान के कारखाने में अल सुबह करीब 6 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के रहवासियों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने तत्परता से पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना के संबंध में फायर कर्मी सचिन माली और दुकान मालिक ऋषि जैन ने बताया, मिलते ही गाड़ी आ गई और आग ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही थी और गाड़ी हम ज्यादा ले आए, एक गाड़ी में हो गया। क्या कौन सी दुकान है, काय की दुकान? जैन नमकीन। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ सेव वगैरह बनती है, सेव बिकती है। गोदाम बड़े व्यापारी दिख रहा है, गोदाम 60-70 भी हो सकता है, बहुत सारी बात है। नमकीन की दुकान है और सुबह घर पर आके एक व्यक्ति बोलता आग लग गई है दुकान पर। हम आए यहाँ पर, क्या क्या हुआ? कितना आग के लपटे चल रहे थे, सुबह सुबह लगी है आग, पता नहीं कहाँ से लगी। कितना नुकसान हुआ होगा? देखना पड़ेगा वो तो। अभी क्या क्या था रखा रहता है? थोड़ा बहुत लाइट वाइट का। लगभग 32 वर्ष बाद शक्तिपीठ हरसिद्धि प्रतिमा ने चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस छोड़ा चोला। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माता हरसिद्धि ने लगभग 32 वर्षों बाद चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि पर अपना चोला छोड़ भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। दर्शन लाभ के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर पुजारी राजेश गोस्वामी ने बताया कि माता के चोले का विसर्जन चल समारोह निकाल कर चोला शिप्रा नदी में विसर्जित किया जाएगा। ऐसा है, माता जी ने जो है अभी विगत 32 वर्ष के बाद में अपना चोला जो है वो मूल स्वरूप से छोड़ा है। इसके पूर्व लगभग जो हमारे यहाँ पर पीढ़ियों में, मतलब ये ऐसा हमने सुनने में नहीं आया था कि माता जी ने कभी चोला छोड़ा, ये 32 वर्ष पहले छोड़ा था। और उसके बाद में आज ये ऐसा जो है दुर्लभ संयोग हुआ है, जब नवरात्रि के अंदर भगवती ने अपना चोला जो है मूल स्वरूप से छोड़ा है और वास्तविक दर्शन हमारे जो है भगवती के हुआ है। क्या मानते हैं आप इस संकेत है, किस तरीके का संकेत? शुभ संकेत ही है, भगवती के दर्शन होना, मूल स्वरूप में दर्शन होना, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है और निश्चित ही भगवती का सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा। अब दशमी के बाद में माता जी के वास्तविक मूल स्वरूप में फिर से दर्शन होंगे। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।